साहित्य के महापुरुषों में एक नाम जो आता है हमें गर्व कराता है। श्रद्धेय स्वामी विवेकानंद की अमर ये गाथा है, इतिहास बताता है जो सारे जग में भारत की पहचान कराता है। विद्वान कहता है श्रद्धेय स्वामी विवेकानंद की अमर ये गाथा है, इतिहास बताता है। विवेकानंद जी महान जाने है सारा जहां, विवेकानंद जी महान जाने है सारा जहां। श्रीमती देवी की प्रिय संतान विश्वनाथ जी पिता ने पाया प्रभु का ये वरदान। कलकत्ता में 12 जनवरी की थी तिथि महान, भारत को गौरवान्वित करने आया जग की शान। नाम नरेंद्र नाथ रखा था समझ के एक नादान, वीरेश्वरा भी पिता श्री ने रखा इनका नाम। पिता अटॉर्नी थे और माता गृह पूजा में रत, इनको कंठस्थ रामायण गीता और महाभारत। पिता की मृत्यु से इनके फिर बिगड़े थे हालात, फाके में भी गुजरे इनके थे कुछ दिन और रात। ज्ञान ध्यान में बचपन से ही मन रम जाता है, प्रभु का हो जाता है श्रद्धेय स्वामी विवेकानंद की अमर ये गाथा है। हाँ अमर ये गाथा है, विवेकानंद जी महान है सृष्टि में उनका शान, विवेकानंद जी महान जाने है सारा जहां। स्मरण करने की शक्ति थी और सीखने की आशा, प्रकृति से इन्हें प्रेम घना था जनमानस से प्यार, ब्रह्म समाज के प्रति हो गया इनका मन विचार। सन्यासियों के प्रति था इनका बचपन से ही मान, देने में कभी देर न करते ये घर का सम्मान। गौतम बुद्ध भी इनके अक्सर सपनों में आते, अपने प्रिय को छोड़ जगत ये अक्सर भूलाते। कहते हैं भगवान भी इनको दर्शन थे देते, योग साधना और वेदांतों में ही रमे रहते। थैंक यू सर, मैं सर पुंग क्वांग की बात से सहमत हूँ कि दुनिया में सबसे ज्यादा बौद्ध ही है, लेकिन फिर भी ईसाई तो सर्वश्रेष्ठ है और इसलिए आप यहाँ देखेंगे कि सभी धर्मों के ग्रंथ यहाँ रखे हैं, लेकिन सबसे ऊपर हमारा बाइबल है और सबसे नीचे लेट मी सी एज एक्सपेक्टेड भगवद गीता। यही बताता है कि ईसाई धर्म सर्वश्रेष्ठ है। तो अब मैं बुलाना चाहूंगा यह स्वामी
आप तैयार हैं? ओके, स्वामी विवेकानंद फ्रॉम इंडिया। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, इट फिल्स माय हार्ट विद जॉय अनस्पीकेबल to rise in response to the warm and cordial welcome which you have accorded on us. I thank you in the name of the most ancient order of monks in the world. I thank you in the name of the mother of all religions. And I thank you in the name of millions and millions of Hindu people of all classes and sects. मुझे ऐसे धर्मावलंबी होने का गौरव है जिसने संसार को सहिष्णुता तथा सब धर्मों की मान्यता प्रदान करने की शिक्षा दी। हम लोग सब धर्मों के प्रति केवल सहिष्णुता में ही विश्वास नहीं करते, वरन समस्त धर्मों को सच्चा मानकर ग्रहण करते हैं। मुझे आपसे ये निवेदन करते हुए गर्व होता है कि मैं ऐसे धर्म का अनुयायी हूं जिसकी पवित्र भाषा संस्कृत में अंग्रेजी शब्द एक्सक्लूजन का कोई पर्यायवाची शब्द नहीं। मुझे एक ऐसे देश का व्यक्ति होने का अभिमान है जिसने इस पृथ्वी की समस्त पीड़ित और शरणागत जातियों तथा विभिन्न धर्मों के बहिष्कृत मतावलंबियों को आश्रय दिया है, जैसे कि ईसाई, यहूदी और पारसियों को न केवल भारत ने शरण दी बल्कि अपने समाज का हिस्सा भी बनाया है। ये सभा जो संसार की अब तक की सर्वश्रेष्ठ सभाओं में से एक है, जगत के लिए गीता के उस अद्भुत उपदेश की घोषणा एवं विज्ञापन है जो हमें बतलाता है, ये यथा माम प्रबध्यन्ते तान तथैव भजाम्यहम्, मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। जो कोई मेरी ओर आता है, चाहे किसी भी प्रकार से हो, मैं उसको प्राप्त होता हूं। लोग भिन्न भिन्न मार्ग द्वारा प्रयत्न करते हुए अंत में मेरी ही ओर आते हैं। मिस्टर बॉन्ड, यस स्वामी, कुड यू प्लीज ब्रिंग द भगवद गीता टू मी? ओह श्योर, बट वेट अ मिनट मिस्टर बॉनी, देयर इज अ कंडीशन, ब्रिंग भगवद गीता without touching or disturbing any other holy book. But how is it possible? देखिए, मैं यही बात अब समझाना चाहता हूं कि सभी धर्मों का मूल भगवत गीता है। अगर इसे मिटाने की कोशिश भी की तो किसी धर्म का अस्तित्व नहीं रहेगा। हिंदू धर्म इतना पूर्ण है कि उस पर मैं अभिमान कर सकता हूं, लेकिन फिर भी किसी ईसाई को हिंदू बनाना नहीं चाहूंगा। और इसी प्रकार मैं बाकी सबसे निवेदन करूंगा कि धर्म परिवर्तन का ये मलिन कार्य बंद करें। हमें धर्म मत सिखाइए, क्योंकि भारत के पास धर्म का कोई अभाव नहीं है। और अंत में मैं पूर्ण आशा करता हूं कि जो घंटे आज सुबह इस सभा के सम्मान में बजाए गए हैं, वे समस्त कटुताओं, सांप्रदायिकता और किसी भी प्रकार के अत्याचार के लिए मृत्युनाद ही सिद्ध होंगे। धन्यवाद। वंदे मातरम, वंदे मातरम। देशो भारतं मम आशा संस्कृतं, मम देशो भारतं मम आशा संस्कृतं, जन्मभूमिरस्माकं भारतं भारतं, जन्मभूमिरस्माकं।
स्मारम भारतम भारतम था विश्व गगन वही प्रेरणा पुंज है।
हमारे स्वामी पूज्य विवेकानंद, वही प्रेरणा पुंज हमारे स्वामी पूज्य विवेकानंद, जिनके ओजस्वी वचनों से गूंज उठा था विश्व गगन, वही प्रेरणा पुंज हमारे स्वामी पूज्य विवेकानंद, वही प्रेरणा पुंज हमारे स्वामी पूज्य विवेकानंद। माथे गुरु कृपा थी देविक गुण आलोक भरा, अद्भुत प्रज्ञा प्रगति जग में धन्य धन्य यह पुण्य धरा, धन्य धन्य यह पुण्य धरा, सत्य सनातन परम ज्ञान का हो, सत्य सनातन परम ज्ञान का जो करते अभिनव चिंतन, वही प्रेरणा पुंज हमारे स्वामी पूज्य विवेकानंद, वही प्रेरणा पुंज हमारे स्वामी पूज्य विवेकानंद।
प्रणाम महाराज। प्रणाम। अरे कौन हो तुम भाई? मैं चमार हूँ महाराज। अरे वाह, तुम तो सबसे नेक काम कर रहे हो, भगवान तुम्हारा भला करे। आप जब से यहाँ आए हैं तब से लगातार लोगों से बातें कर रहे हैं, आपको थकान नहीं लगती? महाराज आपने 3 दिनों से कुछ खाया नहीं, यह देखकर मुझे बहुत दुख होता है। तो क्या तुम मुझे खाना दोगे? परंतु महाराज मैं आपको मेरे घर की रोटी कैसे दे सकता हूँ? यदि आप कहें तो मैं आपको दाल आटा लाके दे सकता हूँ। नहीं, तुम अपनी घर की रोटी ही मुझे लाके दो, मैं वही खाऊंगा। मैं आपको मेरे घर की रोटी नहीं दे सकता, यदि राजा को पता चला तो मुझे कड़ा दंड दिया जाएगा। डरो मत, यदि इस बात के लिए तुम्हें दंड हुआ तो मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ, तुम तो बस मुझे खाना दो। यहाँ आओ। नहीं नहीं महाराज, मैं यहीं सही हूँ। हम साथ ही भोजन करेंगे, घबराओ मत, मेरे पास बैठो। वाह वाह, क्या स्वाद है, यह रोटी तुमने कैसे बनाई, मैं तृप्त हो गया। सच पूछूं तो मैंने इतना अच्छा खाना कभी नहीं खाया। महाराज आप सचमुच महान हैं, आज तक मेरे साथ किसी ने अच्छे से बात नहीं करी। बस बस भाई, जो दूसरों की भलाई सोचता है वो ही महान होता है, तुम मुझसे भी महान हो, तुम मेरे लिए भगवान के भेजे गए दूत हो। हाँ, तुमने तो मेरी माता जी की याद दिला दे, मैं सच्चे दिल से तुम्हारे लिए भगवान से प्रार्थना करूंगा। अरे ओ नौजवान, चल उठ यहाँ से, तेरी हिम्मत कैसे हुई स्वामी जी के पास जाने की? चल उठ यहाँ से, चल निकल यहाँ से। अरे अरे रुको, यह क्या कर रहे हो, छुओ मत उसे। तुम्हारी हिम्मत कैसे इसे हाथ लगाने की? स्वामी जी ये क्या, आपने एक चमार के हाथों का छुआ खाना खाया? पहले ये एक इंसान है, मैंने इसके हाथों का छुआ ही नहीं, इसके हाथों का बना हुआ खाना भी खाया है। क्यों नहीं तुम सब लोगों ने मुझे लगातार 3 दिनों से मेरे साथ धर्म चर्चाएं की, बहुत कुछ प्राप्त कर लिया, आपके सभी प्रश्नों का मैं समाधान करता रहा। मैंने कुछ खाया है कि नहीं, किसी ने अभी तक खोज खबर ली? मैं एक इंसान हूँ भाई, मुझे भी जीने के लिए दाल रोटी चाहिए। स्वामी जी अगर हमें बताया होता तो हम आपके खाने का प्रबंध करते। क्यों बताऊँ मैं तुम्हें, मैंने तो इसे भी नहीं बताया था, इसके मन में दया आई, इस अपने हिस्से की रोटी भी मुझे दे दी। मनुष्य कर्म से महान बनता है, धर्म से नहीं। ब्राह्मण अपने आप को बहुत महान समझते हैं और चमार अपने आप को नीच, यह मानसिकता हमें उनके मन से निकालनी होगी। सुनो भाई, जब तक तुम अपने आप को हीन समझोगे दुनिया भी तुम्हें हीन ही समझेगी, तुम्हारा कर्म नीचा नहीं सबसे ऊंचा है, अपने आप को छोटा मत समझो। यदि तुम चप्पलें नहीं बनाओगे तो लोग क्या पहनेंगे, तुम्हारी बनाई गई चप्पलें ही पहनेंगे। मैं तुम सबसे सिर्फ इतना ही चाहता हूँ कि तुम आत्म परिष्ठा, जातिवाद, दरबंदी और ईर्ष्या को हमेशा के लिए छोड़ दो, भलाई का मार्ग संसार में सबसे ऊंचा होता है। नमस्कार सुप्रभात, आज की इस मंगल वेला में जहाँ एक तरफ स्वामी विवेकानंद जी की 159वीं वर्षगांठ का दिन है, वहीं दूसरी तरफ इगोस्देव परिवार के 70वीं वर्षगांठ का दिवस भी है। इगोस्देव परिवार से मैं सीजल राठौर कक्षा 12वीं साइंस से आपके समक्ष स्वामी विवेकानंद के मुख से कहे गए कुछ ओजस्वी वाक्यों को प्रस्तुत कर रही हूँ। न जाने इनके माध्यम से कितने युवाओं को नई दिशा मिली है, इसीलिए स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस को विश्व युवा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। मैं उनके वाक्यों को दोनों भाषा में प्रस्तुत कर रही हूँ। Arise awake and do not stop until the goal is reached. अर्थात उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। Second, the greatest sign is to think yourself weak. अर्थात
खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। थर्ड, द वर्ल्ड इज द ग्रेटेस्ट जिमनेजियम वेयर वी कम टू मेक अवरसेल्फ स्ट्रॉन्ग, अर्थात विश्व एक विशाल व्यायामशाला है जहां हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। फोर्थ, द ट्रूथ कैन बी स्टेटेड इन डिफरेंट वेज बट ईच वन कैन ट्रू, अर्थात सत्य को हजार तरीके से बताया जा सकता है फिर भी हर एक सत्य ही होगा। आपको स्वामी विवेकानंद जयंती की एवं विश्व युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वी ऑल आर गोइंग टू सेलिब्रेट द 159th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद एंड द होल कंट्री राइटली सेलिब्रेट इट्स एज नेशनल यूथ डे। The day is celebrated to encourage the youth in the country to become a better person and achieve an honorable life that contributes to the development of country. Swami Vivekananda was a chief discipline of Vedanta sector. What I want is the muscles of iron and nerves of steel, inside which dwells a mind of same material of that of which thunderbolts are made. And here is the test of truth. Anything that makes you weak physically, intellectually and spiritually, reject as poison. There is no life in it. It cannot be true. Truth is strengthening. Truth is purity. Truth is all knowledge. Truth must be strengthening, must be enlightening, must be invigorating. Swami Vivekananda's message to the youth. Points are as follows below. Number one, sacrifice and selfless service. This life is short. The vanities of the world are transient. But they live alone who live for others. The rest are more dead than alive. Point number third, Nishkam Karma. Those that want to help mankind must have their own pleasure and pain, name and fame, all sorts of interest, and make a bundle of them and throw them into the sea. Number third, unity as the basis of ethics. He said, if we believe that the other person is my brother and same as me, there will be no basis for violence. He said, there is but one basis of well-being, social, political and spiritual, to know that I and my brother are one. Number four, take responsibility. He exhorted the youth to take responsibility for their actions. He said, stand up, be bold, be strong. Take the whole responsibility on your own shoulders and know that you are the creators of your own destiny. I would like to thank Agoshi family who gave me the opportunity. And at the last, I would end to my speech by the beautiful lines given by Swami Vivekananda. All power is within you. You can do anything and everything. Thank you. Have a nice day. Jai Hind. नमस्कार, सुप्रभात। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम स्वामी विवेकानंद जी की 159वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं और साथ ही एगोज जी परिवार की 17वीं वर्षगांठ भी है। स्वामी विवेकानंद जी का ओजस्व व्यक्तित्व किसी से छुपा नहीं है, बारे में जितना कहा जाए कम है। एगोज जी परिवार से मैं भूमिका कछवाहा कक्षा 12वीं साइंस से स्वामी विवेकानंद जी के बहुत सुंदर प्रेरक प्रसंग में से प्रेरक आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। एक बार स्वामी विवेकानंद जी किसी देश में भ्रमण कर रहे थे। अचानक एक जगह से गुजरते हुए उन्होंने देखा कि पुल पर खड़े कुछ युवक नदी में तैर रहे अंडे के छिलकों पर निशाना लगा रहे थे। किसी भी युवक का निशाना सही नहीं लग रहा था। तभी उन्होंने एक युवक के हाथ से बंदूक ली और खुद निशाना लगाने लगे। विवेकानंद जी ने एक निशाना लगाया जो बिल्कुल सटीक लगा। उसके बाद एक के बाद एक उन्होंने कुल 10 निशाने लगाए जो बिल्कुल सटीक लगे। यह देख युवक दंग रह गए और उन्होंने स्वामी जी से पूछा, स्वामी जी भला आप ये कैसे कर लेते हैं, आपके सारे निशाने बिल्कुल सही कैसे लग गए। स्वामी जी बोले, असंभव कुछ भी नहीं है, जो भी कार्य कर रहे हो अपना पूरा दिमाग उस समय उस कार्य में लगाओ। अगर तुम किसी चीज पर अपना निशाना लगा रहे हो तो तुम्हारा पूरा ध्यान उस समय अपने लक्ष्य पर होना चाहिए, तब तुम अपने लक्ष्य से कभी चूकोगे नहीं। यदि तुम अपना पाठ पढ़ रहे हो तो सिर्फ अपने पाठ के बारे में सोचो। मेरे देश में बच्चों को सही पढ़ाया जाता है। इस प्रसंग से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियां हमारी हैं। वह हम हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रखते हैं और फिर रोते हैं और कहते हैं कि कितना अंधेरा है।
धन्यवाद। जय आदरणीय प्राचार्य महोदया, सभी शिक्षक गण एवं मेरे प्रिय दोस्तों, आप सभी को राष्ट्रीय युवा दिवस की हार्दिक शुभकामना। आज इस विशेष अवसर पर मैं अपने महान पुरुष स्वामी विवेकानंद के जीवन पर एक लघु भाषण प्रस्तुत कर रही हूँ। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी कोलकाता में हुआ था। स्वामी विवेकानंद जी का बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। बाद में वह स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था तथा उनकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। उनके पिता हाईकोर्ट में प्रसिद्ध वकील थे। भारत देश में राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मनाया जाता है। वे श्री रामकृष्ण परमहंस के अनुयायी थे। स्वामी विवेकानंद को धर्म और अधीनता में काफी रुचि थी। स्वामी विवेकानंद का यह कहना था कि हमें सभी धर्मों से प्रेम करना चाहिए और मिलकर रहना चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने श्री रामकृष्ण मिशन की शुरुआत करी। स्वामी विवेकानंद जी ने अपना पूरा जीवन जन सेवा और मानव सेवा में व्यतीत करा। हमें स्वामी विवेकानंद के रास्तों पर चलने की कोशिश करना चाहिए और उनकी शिक्षा का अपने जीवन में योगदान देना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा युवाओं के लिए संदेश, पहला, त्याग और निस्वार्थ सेवा करना। जीवन छोटा है, संसार के हाथ में क्षणभंगुर है। जो दूसरों के लिए जीता है वही जीता है, बाकी सब जो जिंदा है वो मरे हुए हैं। दूसरा, नैतिकता में ही एकता। नैतिकता ही एकता का आधार है और स्वामी विवेकानंद जी का आखिरी सिद्धांत यह था, ना किसी को नकली जिम्मेदारी दो और ना नकली जिम्मेदारी लो। अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से पूरा करें। अब मैं अपने वर्णों पर विराम देते हुए स्वामी विवेकानंद की प्रसिद्ध पंक्ति कहना चाहूंगी, उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। धन्यवाद।